तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी क्विक रेट टेक्निकल। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा कि मैं आपको गैस गीजर के बारे में बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। क्योंकि बेसिक नॉलेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी काम सीखने से पहले बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन का जो बटन है इसको प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला जो भी नॉलेजेबल जो वीडियो होगा वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो गाइज़, आज ये वाला गीज़र आपको दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर में जो जो पार्ट लगे इसकी बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी चलो इस गीज़र को ओपन करते हैं और आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो गाइस, फाइनली मैंने गीज़र को ओपन कर लिया, तो गीज़र के पार्ट्स आपको दिख ही रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है सेल बॉक्स, इसमें बड़े वाले सेल लगते हैं, पहले जो रेडियो में लगते थे। तो ये सेल बॉक्स है दोस्तों, ये सेल से यहाँ से जो 3 वोल्ट का सप्लाई, ये 3 वोल्ट का सप्लाई जब इग्निशन बॉक्स को जब जाता है तब स्पार्किंग प्लग और सोलेनोइड वाल्व ओपन होता है, यानी कि ये वर्क करने लग जाता है। ये वर्क कैसा करता है ये भी मैं बताता हूँ दोस्तों। जब यहाँ से 3 वोल्ट का सप्लाई जब इसमें जाता है तो 3 वोल्ट का सप्लाई की वजह से ये सोलेनोइड वाल्व ओपन होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SVB कहते हैं। ये काम क्या करता है, ये गैस सप्लाई को आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये गैस सप्लाई को आगे बढ़ाता है और गैस सप्लाई आगे बढ़ाने के बाद में यहाँ पे स्पार्किंग प्लग दिया है। ये स्पार्किंग प्लग जब काम करता है तो यहाँ पे फ्लेम जलने लग जाती है। ये वाला ये फ्लेम है, यहाँ पे फ्लेम जलने लग जाती है, ये बर्नल है ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे फ्लेम जलने के बाद में ये ऊपर का जो ड्रम है, ये जो कॉपर का बनाया हुआ है, ये वाला ये कॉपर का जो ड्रम है ये गर्म होता है। तो ये कैसा है कि यहाँ से पानी इन होता है, टंकी का जो ठंडा पानी है यहाँ से इन होता है, यहाँ से होते हुए ये ड्रम में जाता है। ड्रम में पानी जब गर्म होता है तो ये आउटलेट से ऐसा होते हुए नीचे से आउटलेट से होते हुए बाहर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये भी बात बता देता हूँ आपको, ये इग्निशन बॉक्स कैसे वर्क करता है। पानी का प्रेशर जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बुलेट रहता है, ये बुलेट ये सेंसर को सेंस करता है। ये सेंसर क्या करता है, स्विचिंग का काम करता है। जब स्विचिंग का काम करता है तो ये सप्लाई इसमें आता है, इसमें आने के बाद में सोलेनोइड वाल्व ओपन होता है, यानी कि गैस रिलीज करता है अंदर में। उसके बाद में ये स्पार्किंग का काम, स्पार्किंग प्लग जो है ये स्पार्किंग का काम करता है। जब गैस सप्लाई अंदर जाता है तो ये बर्नर से फ्लेम जलने लगती है, उसके बाद में ये ड्रम गर्म होता है, पानी बाहर आता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक नॉलेज हो गया, बट ये काम कैसा करता है। जैसे कि दोस्तों ये सेंसर जो दिया है स्विचिंग का काम करता है, इसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद में ये दोनों चीज़ें चालू हो जाती है, यानी कि आपका गीजर चालू हो गया। मगर गीजर चालू होने के बाद में जो स्पार्किंग है उसको भी तो बंद करना है, तो उसको बंद करने के लिए ये वाला सेंसर दिया है। ये वाला जो सेंसर होता है ना, ये सेंसर आग को सेंस करता है और सिर्फ ये SV को यानी कि सोलेनोइड वाल्व को ओपन करता है, यानी ओपन रखता है, स्टेबल रखता है। बाकी गीजर का सिस्टम सिर्फ उस गीजर के सिस्टम में स्पार्किंग को बंद कर देता है, बाकी तुम्हारा गीजर ऑन कंडीशन में रहता है। ऐसा ये वर्क करता है दोस्तों। और इसमें एक बायोमेटल दिया है, लोग कुछ लोग इसको बायोमेटल कहते हैं, बट ये बायोमेटल नहीं, ये इसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। जब पानी ओवर हीटिंग हो जाता है ना, तो ओवर हीटिंग होने के बाद में इसको कटअप कर देता है दोस्तों। कटअप कर देता है यानी कि आपका गीज़र सेफ हो जाता है। क्योंकि कैसा है कि घर में छोटे छोटे बच्चे नल से पानी लेते गर्म, तो गीज़र जब स्टार्ट होता है तो गीज़र में अगर कभी दिक्कत आ जाती है तो ये सेंसर कटअप कर देता है। तो इसमें सेफ्टी डिवाइस भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है कंपनी ने, और हैवल्स कंपनी का। देखिए दोस्तों, ये हैवल्स कंपनी का गीज़र है, ये कम से कम 6-7 साल चला है और उसके बाद में मेरे पास में आया है। तो दोस्तों देखिए, मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और मेरा बेल आइकन का जो बटन है इसको प्रेस कर देना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको मुझे तो पता नहीं है, मगर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर देना दोस्तों। और दोस्तों आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो था इस चैनल पर, तो अगर मुझसे अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, बट मैं अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और नॉलेजेबल वीडियो आपको
देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ।